नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के लिए पीएम मोदी ने रखा प्रस्ताव, सदस्य देशों को लिखा पत्र। अभिनेत्री मिलबेन अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान करेंगी परफॉर्म, कहा कार्यक्रम को लेकर उत्सुक हूँ। फिल्म आदि पुरुष पर चौतरफा घिरने के बाद मेकर्स ने लिया यूटर्न, राइटर मनोज मुंशीर ने मांगी माफी, कहा बदले जाएंगे फिल्म के डायलॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 102वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से लेकर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल तक के कई मुद्दे का जिक्र किया। पीएम ने कहा, कक्ष के लोगों ने जिस तरह हिम्मत के साथ बिपरजॉय का सामना किया वो काबिले तारीफ था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत से 2025 तक टीबी रोग के खात्मे की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि मन की बात में सबसे पहले मणिपुर की बात शामिल होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना राजधर्म सही से निभाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा, माननीय पीएम जी बहुत हो गई मन की बात, अब मणिपुर की बात का समय है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, इससे हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर रोजगार के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए पीएसयू क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर को लेकर केंद्र को घेरा और कहा कि देश के पीएसयू में वर्ष 2014 में 16.9 लाख रोजगार थी, जो 2022 में कम होकर 14.6 लाख रह गई है। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बोले, बोस होते तो जिन्ना उन्हें मान लेते नेता। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी अगर होते तो देश का नहीं होता बंटवारा। बेंगलुरु में हवाई अड्डे पर खंभे से टकराई शटल बस, 10 यात्री हुए घायल, चालक को झपकी आने के बाद हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बारात में शामिल होने आए 3 लड़के की ट्रेन के चपेट में आने से जान चली गई। मामला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि दुल्हन के घर से कुछ दूर स्थित पर रेलवे ट्रैक पर ये तीनों लड़के जाकर बैठ गए थे। वहीं मृतकों की पहचान ऋतिक, विनित और हरिओम के रूप में हुई है। बिहार के पटना में अपराधियों ने दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पति के घर से निकलते ही अपराधी घर में घुस गए और महिला अंचला सिंह के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसके ही दुपट्टे से उसके दोनों हाथ बांधकर बेड के नीचे डाल दिया। इसके बाद अलमीरा में रखे करीब 2.5 लाख के सोने चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए। घटना राजीव नगर थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर रोड नंबर 4 की है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां इस फायरिंग में 2 महिला को गोली लग गई। इसके बाद इन महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पंजाब के गुरदासपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवंत मान पर साधा निशाना। बोले, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या केजरीवाल के पायलट, जब देखो केजरीवाल के साथ घूमते रहते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर गांव भनकपुर में कृपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में पंचायत हुई, जिसमें आसपास के 20 गांव के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पंचायत में सर्वसम्मति से सड़क बनाने का काम शुरू न होने पर 25 जून को होने वाली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली के बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। फिल्म आदि पुरुष को लेकर हरिद्वार के संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां उनके द्वारा फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं संतों ने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड में भी सनातन विरोधी मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। जेजेई एडवांस की परीक्षा में झारखंड का टॉपर बना आयुष सिंह, ऑल इंडिया में मिली 94वीं रैंक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में रानी लक्ष्मीबाई के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान दिवस के अवसर पर वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया। बघेल ने कहा कि झांसी की रानी ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, वह सच्चे अर्थों में वीरांगना थी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर आरोप है कि इसने मंत्री के भाई को कुचलने का प्रयास किया था। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 9 वर्ष पूरे होने पर शिमला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और चांबा में हुए घटना की NIA से जांच कराने की मांग की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय कुमार सगहोत्रा ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे विकास के भाजपा के दावे को सरकारी दुष्प्रचार करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को रद्द करने के मामले में भाजपा के सत्तावादी शासन का खामियाजा उठाया है, जिससे न केवल नौकरियों और जमीन पर उनके संवैधानिक अधिकार वंचित हो गए हैं, बल्कि सबसे बड़े महाराजा के राज को भी गिरा दिया गया है। पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने राजभवन में शांति कक्ष स्थापित किया। बता दें कि नागरिकों से प्राप्त कई अभ्यावेदन के मद्देनजर जनता की शिकायतों का जवाब देने के लिए राजभवन में यह शांति कक्ष स्थापित किया गया है। चुनाव से पूर्व महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगा करारा झटका, जहाँ शिशिर सिंधे के बाद मनीषा कायंदे ने भी छोड़ा साथ। गुजरात कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने संभाला चार्ज। साबरमती आश्रम में बापू को नमन करने के बाद पहुंचे पार्टी कार्यालय। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, गुजरात में आलोचना करने की छूट नहीं है। साथ ही कहा, मैं प्रदेश प्रमुख के तौर पर एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर बढ़ूंगा। बिपरद्वाय से राजस्थान के बाड़मेर में बारिश ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां 8 जिले के कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। योग दिवस सप्ताह पर हम रोजाना एक योगासन बता रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि योग के नियमित अभ्यास से बच्चों में फोकस और एकाग्रता के साथ साथ संतुलन को बेहतर कैसे बनाया जाए। इस आसन के मदद से बच्चे की एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आसन है बालासन। यह आरामदायक मुद्रा शरीर को रिलैक्स करने के साथ ही फोकस हासिल करने के लिए फायदेमंद मान जाती है। इसे करने के लिए फर्श पर घुटने के बल बैठ जाए और फिर नीचे आते हुए दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ें और फिर अपनी बाहों को आगे की ओर निकालते हुए अपने माथे को चटाई से नीचे लगाएं। भारतीय नौसेना की ओर से मिस्टर म्यूजिशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास अविवाहित महिला एवं पुरुष उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 26 जून से 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे अपील है कि प्लीज़ वे भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर प्रतिक्रिया दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें। Date.